हेलो एवरीवन, स्वागत है राइट टू एजुकेट चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के बारे में। तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, और ये पॉलिसी लाना भी ज़रूरी था। एज वी नो कि हेवी बैग से पूरे शरीर का पोस्चर ही बिगड़ जाता है, शोल्डर पेन, बैक पेन, नेक पेन, और फाइनली अब ये पेन दूर होने वाला है। हाँ, हमारा तो नहीं हुआ, पर फ्यूचर जनरेशन का ज़रूर होगा। तो NCERT ने स्कूल बैग पॉलिसी 2020 को रिलीज़ करा और 5 जून से इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और इसमें मेन गाइडलाइंस होमवर्क और बच्चे का स्कूल बैग का वेट कितना होना चाहिए उसको देखते हुए दी गई। तो उन्होंने बोला बच्चे के बॉडी वेट के 10% से ज़्यादा स्कूल बैग का वेट नहीं होना चाहिए, और टीचर को हर 3 महीने में बच्चे के बैग को चेक करने की ज़रूरत है। अगर वो ओवरवेट निकलता है तो टीचर को बच्चे के पेरेंट्स से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्लास वाइज बैग का वेट बताया कितना होना चाहिए। एज यू कैन सी इन द टेबल, प्री प्राइमरी नो बैग, बैग की ज़रूरत ही नहीं है। एंड क्लास फर्स्ट टू सेकेंड शुड बी 1.6 kg टू 2.2 kg, एंड क्लास थर्ड टू क्लास फिफ्थ इट शुड बी 1.7 kg टू 2.5 kg, एंड सो ऑन। उन्होंने नोटबुक्स को लेकर कुछ गाइडलाइंस दी, जैसे क्लास फर्स्ट और सेकेंड के लिए उन्होंने बोला सिंगल नोटबुक होनी चाहिए, और थर्ड टू फिफ्थ के लिए देयर शुड बी 2 नोटबुक्स, वन फॉर क्लास वर्क एंड अनदर फॉर होमवर्क। और 6 टू 8 के लिए उन्होंने बोला वो लूज पेपर्स पर काम करें, और ये भी कहा कि थिक नोटबुक या मोटी बुक्स की जगह उनको थिन एक्सरसाइज बुक्स को प्रेफर करना चाहिए। टेक्स्ट बुक, टीचर को प्रमोट करना चाहिए बच्चों को कि वो बुक्स को आपस में शेयर करके पढ़े, ताकि एक ही बच्चे को डेली सारी बुक्स ना लानी पड़े। स्कूल डायरी जहाँ तक वो पतली होनी चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो टीचर को डिजिटली कॉन्टैक्ट करना चाहिए पेरेंट्स के साथ। स्कूल नीड्स टू प्रोवाइड लॉकर्स, स्कूल में लॉकर की फैसिलिटी को प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि बच्चे अपनी बुक्स को स्कूल में ही रख कर आ सके। प्रोवाइड क्वालिटी पोर्टेबल वाटर, स्कूल में पीने लायक पानी अवेलेबल होना चाहिए ताकि बच्चों को अपनी वाटर बॉटल का वेट ना कैरी करना पड़े। तो होमवर्क को लेकर उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी कि क्लास सेकेंड तक कोई होमवर्क नहीं देना, और क्लास थर्ड टू फिफ्थ के लिए 2 घंटे का होमवर्क देना है, वो भी पूरे एक हफ्ते में, और 1 घंटे का होमवर्क 6 टू 8 क्लास के लिए, और 2 घंटे का होमवर्क 9 टू 12 क्लास के लिए। एक सर्वे है जो एजुकेशन मिनिस्टर ने कराया था, जिसमें उन्होंने स्कूल हेड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। लाइक उन्होंने पूछा कि स्कूल बैग से रिलेटेड क्या किसी ने कंप्लेन करी थी, तो देर 42.6% ऑफ द पेरेंट्स जिन्होंने स्कूल बैग से रिलेटेड कंप्लेन करी, और 23.9% स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इससे रिलेटेड कंप्लेन करी थी। नेक्स्ट वन इज कि क्या टीचर बच्चों को रिमाइंड कराती थी कि लाइट बैग वेट लेकर आओ, लाइटर बैग लेकर आओ। तो दे सेड कि यस, 96% टीचर्स बच्चों को रिमाइंड कराती है, एंड 4% ने बोला कि नहीं, हमारी टीचर्स नहीं कराती थी। और नेक्स्ट इज वेदर ड्रिंकिंग वाटर इज प्रोवाइडेड एट स्कूल, तो 98.8% ने बोला कि हाँ, उनके स्कूल में पीने वाला पानी अवेलेबल है। इसकी आपके स्कूल में लॉकर की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो 76.3% ऑफ स्कूल ने कहा कि हाँ, उनके स्कूल में लॉकर की फैसिलिटी अवेलेबल है, बट वो कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए ही है। बट वी नो द रियालिटी कि इतनी सब फैसिलिटीज होने के बाद भी स्कूल के बच्चों का बैग आज भी भारी है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, इमेजिन यू एज अ स्टूडेंट, तो आप क्या चेंजेस लाते बैग के वेट को कम करने के लिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आप हमें फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।